हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ऐसा सोशल मीडिया हैंडलर कैसे बना सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में। आपको इस वीडियो को 5 मिनट देना है, देख लेना है, उसके बाद आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा सोशल मीडिया हैंडलर HD क्वालिटी में आप बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऐसा सोशल मीडिया हैंडलर आप जब लगाएंगे अपनी वीडियोज़ में तो आपकी वीडियोज़ की क्वालिटी भी बढ़ेगी, दिखने में भी अच्छी लगेंगी और प्लस आपका फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया हैंडलर आप जब लगाएंगे तो की वीडियो को देखिए, एक तो दिखने में अच्छा लगता है, दूसरा आपका जो फॉलोअर्स है, मतलब जैसे इंस्टाग्राम का यहाँ पे लगा हुआ है, फेसबुक का, ट्विटर का, तो यहाँ पे जाकर जो आपके यहाँ पे सब्सक्राइबर है वहाँ पे जाकर फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों को मालूम रहता है कि आपका यूजर नेम क्या है, तो जब भी वो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आपको फॉलो कर लेते हैं जाके। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपको फॉलोअर्स बढ़ेंगे, दूसरा आपकी वीडियो भी दिखने में अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ऐसा हैंडलर बनाना है, आपको कैसे अपने सब यूजर नेम को लाइन लाइन लगाना है, और आपको मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का तीनों का यूजर नेम लगाकर एक अच्छा सा ऐसा हैंडलर बना के दिखाऊंगा। अभी आपको स्क्रीन में नीचे मेरे दिख रहा होगा, मैं हर वीडियोस में ऐसा हैंडलर लगाता हूं जिससे मेरी वीडियोस की क्वालिटी भी अच्छी बनती है और हमारी वीडियो दिखने में भी अच्छी लगती है और प्लस मेरे यहां पे फॉलोअर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो चलिए मैं चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे, आप 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखाता हूं फटाक से, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहीं पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो फटाक से चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पर बिना समय गवाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको फटाक से सिखाता हूँ कि आपको कैसे इंस्टाग्राम हैंडलर बनाना है मेरी वीडियोस के तरीके। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, तो प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे थंबनेल वगैरह बनाई जाती हैं और सभी यूट्यूबर्स पिक्सल लैब एप्लीकेशन का ही यूज़ करते हैं। तो इस एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको वहाँ से फटाफट वो चीज़ें ले लेनी है। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम का जैसे यूजर नेम लगाना है तो आपको इंस्टाग्राम ले लेना है। आपको जिस चीज़ का हैंडलर बनाना है, मान लीजिए मेरा जो हैंडलर है तो उसको मैं देखिए इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और ट्विटर का, 3 चीज़ें का यूजर नेम देता हूँ, आप हमेशा मेरी वीडियोज़ पर देखते होंगे। तो आपको ऐसे इंस्टाग्राम पर आकर उसकी इमेज पर टच करना है, तो यहाँ पर उसका इंस्टाग्राम का इमेज को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना सिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ऐसे करके यहाँ पर जितना आपको चाहिए उतना आपको एडजस्टमेंट करके आप ऐसे ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम का मैं ले लूंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको फेसबुक का लेना है। तो आपको फेसबुक के लिए यहाँ पे पीछे आना है और यहाँ पे फेसबुक का मैं ले लेता हूँ। तो आपको जिस जिस चीज़ का यूज़र नेम यहाँ पे दिखाना है हैंडलर में अपने, तो वो चीज़ों को आपको यहाँ पे ले लेना है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, यहाँ पे 3 चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, इसलिए यहाँ पे 3 चीज़ों का यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं फेसबुक का आ गया, तो मैं यहाँ पे फेसबुक का ले लूँगा। ऐसे आपको जितनी चीज़ों का मतलब यूज़र नेम उसमें लगाना है उतनी चीज़ों का आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऊपर से लिया जिससे यहाँ अलग से पता चले। यहाँ पे फेसबुक का हो गया, मैं ट्विटर का ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको अगर यार ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक एक चीज़ कि आपको कैसे मतलब आप हैंडलर, एक अच्छा हैंडलर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्विटर का भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फटाक से। अब चलिए चलता हूँ मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ये मैं देखिए आपको आराम समझाऊँगा इसलिए, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो आपको 2 मिनट में भी समझा सकता हूँ, पर अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो वीडियो बनाने का कोई भी मेन मोटिव नहीं रह जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए वीडियो भले कितने भी लंबी हो जाए। अब आपको यहाँ पे देखिए अपने साइज एडजस्टमेंट कर लेना है, तो यहाँ पे थंबनेल वाला साइज आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थंबनेल वाला साइज ले लूंगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से साइज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखते जाइए लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए जो बैकग्राउंड का कलर है आपको उसको ब्लैक कर देना है, क्योंकि ब्लैक में आपका हैंडलर थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कर देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम की इमेज लेनी है, आपको फर्स्ट में जो भी चीज़ रखनी है उसकी यहाँ पे इमेज ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम की पहले इमेज लूँगा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से डायरेक्ट इमेज पिकअप कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों की यहाँ पे इमेज आ चुकी हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इंस्टाग्राम की इमेज लूँगा। अब आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितनी लेनी है आपको उतनी यहाँ पे रखना है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा बस ऐसे रखना है कि ब्लैकनेस भी आ जाए और यहाँ पे आपका मेन लोगो भी आ जाए।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लिया था, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब पता ना चले, यहाँ पे पीएनजी जैसा लगे बिल्कुल, और आपको पीएनजी भी ना बनानी पड़े। तो आपको अपने हिसाब से साइज एडजस्टमेंट कर लेना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइज अपने हिसाब से रखना होगा। मैंने यहाँ पे साइज अपने हिसाब से रखा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स आपको इसको आराम आराम बनाना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा आपको स्पीड में मैं बता सकता हूँ, पर आपको बिल्कुल आराम आराम बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्लैश ले लीजिए या फिर एट द रेट ले लीजिए। तो मैं स्लैश लगा के यूज़र नेम लिखता हूँ, इसलिए मैं स्लैश ले लिया, आप एट द रेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका यूज़र नेम हो, फेसबुक व्हाट्सअप जो भी आपका जहाँ पर भी फेसबुक इंस्टाग्राम का, वो यूज़र नेम आपको यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पे यूज़र नेम को मैं थोड़ा सा साइज में छोटा रखूँगा और यहाँ पे ऐसे इसके सामने लिख दूँगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी देखते जाइए कितना ये ब्यूटीफुल लगने लगेगा। बस आपको थोड़ा सा साइज का एडजस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करना होगा। अब यहाँ पे मैं फेसबुक का ले लेता हूँ, और देखते जाइए फ्रेंड, मैं आपको लगाना भी बताऊँगा कि आप कैसे इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक को उठा लीजिए, और फेसबुक को भी वैसे ही आपको क्रॉप कर लेना है। करने के बाद में आपको फेसबुक का साइज में एडजस्टमेंट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम आराम से एक बार अगर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया सही से, तो आपका आराम से यहाँ पे पूरा सेट आ जाएगा। तो आपको आराम आराम बनाना है, ये चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फिर मैं स्लैश ले लेता हूँ, और अपने यहाँ पे फॉलोअर्स के लिए यहाँ पे मैं ये हैंडलर बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग भी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपको जो आप मतलब यूज़र नेम लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा घिचपिच कर देंगे बीच में ना, तो वो समझ में नहीं आता और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे घिचपिच नहीं होनी चाहिए और साफ होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज देखिए, आपको बराबर रखना है तीनों का। अगर आपका एक का कम एक का ज़्यादा हो गया ना, तो यही चीज़ यहाँ पर नहीं अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे तीनों का साइज़ आपको मेन मतलब बिल्कुल बराबर रखना है, और लोगों का साइज़ थोड़ा आप बड़ा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा जाके। वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर हरदम लाइव रहता हूँ, आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से करिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है फ्रेंड्स। तो आपका जब बनाना है तो आप बिल्कुल आराम आराम से साइज एडजस्टमेंट करिएगा। यहाँ पे आप देखिए, फिर से मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको जितने भी मतलब यहाँ पे हैंडल लगाने आप लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ तीन चीज़ों का लगा रहा हूँ, आपको स्नैपचैट का लगाना है स्नैपचैट का लगा लीजिए, और भी काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक वगैरह का लगाना है यूज़र नेम, टिकटॉक वगैरह का लगा सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से आपको जितने भी यूज़र नेम लगाने हैं आप लगा लीजिए। अब यहाँ पे ट्विटर की इमेज उठा लेता हूँ मैं, तो ट्विटर की भी इमेज यहीं पे मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने लिया था। अब यहाँ से आपको ट्विटर को भी लोगों को थोड़ा छोटा कर लेना होगा। तो यहाँ पे बस आपको मेहनत है तो सिर्फ आपको लोगों का मतलब साइज डिसाइड करने में, क्योंकि तीनों का साइज बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई का अगर कम ज़्यादा आप रखेंगे ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे ट्विटर का आ गया, तो यहाँ पे ट्विटर का थोड़ा सा आपको ऐसे जगह दे के यहाँ ट्विटर का लगा देना है, और ये साइज यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको यहाँ पे ऐसे छोटा करके यहाँ रखेंगे ऐसे करके। आपको सबका थोड़ा सा साइज ऐसे ऐसे घटाते चलना है, क्योंकि बराबर सब चीज़ आनी चाहिए। आपको तीनों का यूज़र नेम बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, तभी आपका ये अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप जब करेंगे ना तो आपका बिल्कुल बेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आपको ऐसे सेट कर देना है। करने के बाद में तीनों का कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ कलर चेंज करने के लिए आपको उस पर टच करके कलर वाले ऑप्शन पे जाकर, यहाँ मैं पिंक रख रहा हूँ, आपको अगर कोई और कलर रखना है तो आप कोई और कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पे पिंक रखने से थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि फ्रेंड्स आपका ये उभर के आता है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से आपको बोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको अमरनाथ बोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बोल्ड भी हो जाएगा, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे अमरनाथ बोर्ड पे आपको टच करना है, और ये आपको और अच्छा थोड़ा मतलब साफ दिखेगा, जिससे बोल्ड करने से थोड़ा सा साफ आपको दिखने लगेगा। तो आपका जिससे मतलब अगर साफ दिखेगा तभी आपका ये अच्छा भी लगेगा देखने में, तभी ये समझ में भी आएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरी तरीके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ऊपर सेव वाले ऑप्शन पे जाना है, और सेव वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में अल्ट्रा मतलब कर देना है, जिससे आपका अल्ट्रा HD में रहेगा, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, क्वालिटी में कोई भी आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पर कैसे इसको सेट करना है अपनी वीडियोज़ में, ये चीज़ बहुत लोग नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ सबसे पहले आपको देखिए जानना है अपने काइन मास्टर में,
काइन मास्टर में जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको देखिए वीडियो बन चुकी है। फिलहाल आपको मैं 10-12 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप जब करेंगे तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, तो यहाँ पर काइन मास्टर मेरा खुल रहा है अभी, आपको मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि आपको करना क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काइन मास्टर खुल चुका है, आपको जो वीडियो में यहाँ पे लगाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप अगर आपको सिलेक्ट करनी तो आप कर सकते हैं। और अभी आपको जहाँ से आपने यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको वीडियो सेट करनी है, वहाँ से आपको यहाँ पे ऐसे क्लच लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको देखिए आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपने इसको एक्सपोर्ट किया हो वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है इस इमेज को। अब आप देखते जाइए कि आपको कैसे यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे ये इमेज आ गई है, आपको सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन कैसे बराबर कर लेना है। फिर देखिए जब यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ स्क्रीन पे मेरी फिट है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा सा इसको आपको छोटा रखना है साइज़ में, क्योंकि आपको नीचे ले जाना है। तो यहाँ पर जब आप नीचे ले जाएंगे तो देखिए पहले आपको ये रहना होगा कि आपको दोनों ये कोने जो हैं ये आराम से बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल यहाँ पर टच करें। और यहाँ पे फिर आपको ऐसे नीचे ले जाकर ऐसे ऐसे यहाँ पे सेट कर देना है ऐसे करके। अब यहाँ पे आपको एनिमेशन कौन सा डालना है, तो यहाँ पे आपको एनिमेशन डालना है स्लाइड अप का। तो आपको स्लाइड अप का एनिमेशन यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे मिला हुआ है स्लाइड अप का एनिमेशन, और आपको 3.0 सेकंड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आउट एनिमेशन लगा देना होगा जिससे आपका और अच्छा लगे। तो यहाँ आउट एनिमेशन में आपको स्लाइड डाउन का एनिमेशन रखना है जिससे आपका और ये यहाँ पे अच्छा लगे। तो यह स्लाइड डाउन में भी आपको 3.0 सेकंड का रखना है। अब आपको यहाँ पे जितना अपना पूरा वीडियो में लास्ट तक आपको ऐसे करके यहाँ बढ़ाते जाना है टाइम लाइन तक, और यहाँ पर आपको ये लास्ट तक लगा रहेगा। तो अभी मैं आपको चला के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा जब यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे ऊपर उठ के ऐसे आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एनिमेशन के लिए। और यहाँ पे जब लास्ट में जाएगा आपका तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये जब जाएगा तो ऑटोमेटिक स्लाइड डाउन होके नीचे चला जाएगा। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी बात बताई गई अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो में। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत।